नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ तीन स्टॉक शेयर कर रहा हूं जिनको रडार पे रखना है, खरीदना है और होल्ड करना है। अगर तीनों चीज कर सकते हैं देन डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बनी है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। शुरू करते हैं एक एक करके, पहले सारी चीजें समझाऊंगा उसके बाद स्टॉक्स के नाम, क्योंकि अगर स्टॉक के नाम ले लिए जाके खरीद लिया रीजन पता नहीं है, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आने वाला। बाजार में दो ही चीजें पैसा बनाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन, अदरवाइज सब बेकार है। स्टॉक मार्केट में एक पर्सन ए है जो कि 100 रुपए पे कोई चीज ले लेता है किसी के कहने से, और 105 रुपए पे जाने के बाद वो कहता है रुके रहो तो रुका रहेगा, वो कहेगा बेच दो तो बेच देगा, तो वो पैसा नहीं बना पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक पर्सन ये है कि जो 100 रुपए पे ले लेता है, 90 रुपए पे आने के बाद एवरेज कर रहा है, सामने वाले कह रहे हैं बेच दो लेकिन वो खरीद रहा है, वो पैसा बनाएगा क्योंकि उसका कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है। 110 पे भी वो अपने हिसाब से जाएगा, 120 पे भी जाएगा और 130 पे भी जाएगा। अगर कन्विक्शन कॉन्फिडेंस रहा तो पैसा बनता रहता है स्टॉक मार्केट में, अदरवाइज तो मार्केट है ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, 10 मुंह 10 बातें, ऊपर जाएगा तो तेजी बोलेंगे, नीचे जाएगा तो मंदी बोलेंगे। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है तो बेकार है, सब बेकार है। अब मैं आपके साथ रीजन शेयर करता हूं। मैंने एक डाटा शेयर किया था आप सभी के साथ वीकेंड के दौरान, जहां मैंने आपको बताया कि जो फर्टिलाइजर है उसकी डिमांड बहुत हैवीली बढ़ी है अगस्त महीने में। इनफैक्ट डिमांड छोड़िए, बिक्री पे आता हूं डायरेक्ट। अनुमान जो टारगेटेड था वो 50.82 लाख टन का था, लेकिन बिक्री पता है कितनी हुई है, 80.82 टन लाख की, यानी कि लगभग 47% समथिंग बिक्री बढ़ी है। तीन सेगमेंट है, डीएपी, यूरिया एंड कॉम्प्लेक्स। अब अगर डीएपी की बात की जाए तो ये 91% बढ़ी है इसकी बिक्री, जो टारगेट था उससे ज्यादा अगस्त मंथ में। जो यूरिया है उसकी अराउंड 47-50% समथिंग जंप करा था, और कॉम्प्लेक्स की लगभग 65% समथिंग जंप करते हुए देखी थी बिक्री। अनुमान टारगेटेड अनुमान से इतनी ज्यादा बिक्री हुई है, और ये समय इनके लिए ड्रीम समय होता है। कौन सा? ये जो अब शुरू होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी का, ठीक है। अब यहां पे एक और बड़ा बेनिफिट हो रहा है, क्या? चाइना जो है, जो 30-25% सप्लाई करता था भारत को, एक्सपोर्ट करता था, अब वो कह रहा है हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, पहले हम अपने देश में पूर्ति करेंगे। एक्सपोर्ट को उन्होंने वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम कर दी है कि पहले डोमेस्टिक जो जितनी डिमांड है पूरी करो, उसके बाद कंपनियों से कहा कि आप बाहर भेजोगे, तो एक्सपोर्ट कम होगा, जिसकी वजह से इन सबके दाम बढ़ सकते हैं, जिसके चलते तीन कंपनियां हैं फर्टिलाइजर की जिन्हें बड़ा मुनाफा होगा। ये सेम वीडियो मैंने शेयर करी थी, यहाँ पे एक और एडिशनल टॉपिक आ गया कि चाइना की तरफ से थोड़ी सी एक्सपोर्ट में कटौती आ सकती है। स्टॉक का नाम बताता हूँ, पहले स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर, 282 पे है। अगर ये शेयर आपको अगले कुछ महीनों में 3 से 4 महीने में 310 या 15 नहीं दिखा तो बेकार है। अगर आप 35 रुपए, यानी कि 10% होता है, 35 रुपए से सेटिस्फाई हो, 315 रुपए पे सेटिस्फाई हो, ये स्टॉक आप ही के लिए। और अच्छा तो तब रहेगा जब ये शेयर गिर के 270 आ जाए और आप और खरीद लो, एवरेज कर लो। इस शेयर में आपको मिनिमम टारगेट रखना है 310 रुपए का, और 315 आ सकता है। बाकी पहला छोटा टारगेट जो बहुत ही नजदीक है, जो किसी भी दिन आ जाएगा, वो होता है 290 का, जो कभी भी आ सकता है, जो टेक्निकली दिख रहा है। 270 तक स्टॉक में गिरावट में लेना है, 290 का छोटा टारगेट है। वहां पे मैं बुक करने के लिए नहीं कहूंगा, ट्रेल करने के लिए कहूंगा। 315-320 रुपए के लिए आप प्ले कर सकते हैं इस स्टॉक में। तो ये मेरे को दिख रहा है चंबल फर्टिलाइजर में। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, वैल्यूएशन भी सस्ते हैं, टेक्निकली देखोगे तो कंटिन्यू, अभी तो ट्रेंड लाइन में गिरते गिरते ही आ रहा है, लोअर लोज ही लग रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है डबल बॉटम की फॉर्मेशन आ रही है, स्टॉक बाउंस बैक करेगा और जल्दी आपके लिए 300 रुपए के पार निकलता हुआ दिखेगा ये शेयर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं दूसरे स्टॉक पे, NFL, नेशनल फर्टिलाइजर। नेशनल फर्टिलाइजर की बात की जाए तो 74 पे है। टेक्निकली ये स्टॉक में ज्यादा कोई करेक्शन आई नहीं है, मैं इस स्टॉक को खरीदने की राय अभी नहीं दूंगा। 75-74 रुपए पे अगर ये स्टॉक गिरकर 65 रुपीज के समथिंग आता है तो वहां मेरे लिए लेने के लिए अच्छा मौका है, इस भाव पे तो मैं खरीदने के लिए तैयार नहीं हूं। तो NFL एक दूसरा स्टॉक है जो आपको रडार पे रखना है। एक और ऐसी में RCF, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, 127 पे है, कंटिन्यू हायर आइज है, तो यहाँ भी अभी टेक्निकली उतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मेरे को, पर मजा नहीं आ रहा, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। कोई डीप करेक्शन आती है 108 रुपए तक की तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो आप टेक्निकल बेसिस पे देखें, रिस्क रिवॉर्ड के पर्पज से देखें, तो चंबल फर्टिलाइजर सबसे वेल प्लेस्ड है, तो यहां आप फोकस कर सकते हैं इस वॉलेटाइल मार्केट में, इस गिरे हुए बाजार में, या फिर थोड़ा सा जहां पे थोड़ा डर लग रहा है उसमें, ये एक बहुत ही अच्छी प्रेफर्ड पिक रह सकती है, सेफ बेट रह सकती है, और इस सीजन में चलता ही चलता है ये स्टॉक। तो यहाँ पे 10-12% के रिटर्न्स आप सुनिश्चित करके चल सकते हैं, जहां पे आप अपना पैसा लगा सकते हैं। बाकी टाइम टू टाइम अपडेट मैं इस स्टॉक को लेकर आपके साथ शेयर करता ही रहूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।